तो गैस इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि प्ले स्टोर से कैपकट वीडियो एडिटर एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से प्ले स्टोर ओपन करता हूँ, उसके बाद यहाँ सर्च बार में आके टाइप करता हूँ कैपकट और देखता हूँ इंस्टॉल होता है या नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ कैपकट टाइप करता हूँ। कैपकट टाइप करने के बाद सर्च करता हूँ, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है लुकिंग फॉर कैपकट वीडियो एडिटर, दिस ऐप इज़ नॉट अवेलेबल। तो कैसे इंस्टॉल करना होगा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको यह सर्च बार में आके टाइप करना है क्विक वीपीएन। ठीक है, तो कैपकट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए इंस्टॉल करने के लिए ये सर्च करना होगा क्विक वीपीएन। जैसे ही आप प्ले स्टोर पर क्विक वीपीएन सर्च करोगे तो क्विक वीपीएन एप्लीकेशन आ जाएगा, तो इसमें क्लिक करके इंस्टॉल पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन जैसे ही करोगे तो यहाँ बहुत सारा कंट्री शो हो जाएगा। तो सबसे पहले जो कंट्री दिया हुआ है सिंगापुर, तो आपको यह सिंगापुर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ इस एरो पर क्लिक करके वीपीएन को एक्टिव करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस एरो पर क्लिक करोगे तो परमिशन मांगेगा, अलाउ पर क्लिक करना है। और अलाउ पर क्लिक करने के बाद इस तरह इंटरफेस आ जाएगा, तो ट्राई इट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्राई इट पर क्लिक करोगे तो यहाँ एक ऐड आ जाएगा, 1 मिनट या 30 सेकेंड का हो सकता है। तो ऐड का टाइमर ऊपर आपको दिख जाएगा, जैसे ही टाइम ख़त्म हो जाता है यह, ठीक है, उसके बाद इस क्रॉस सिंबल पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो वीपीएन एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद मिनिमाइज कर देना है और प्ले स्टोर पर लॉन्ग प्रेस करना है। प्रेस करके रखना है तो इस तरह इंटरफेस आ जाएगा, तो इस आई बटन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस आई बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ इस तरह इंटरफेस आ जाएगा और एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज यूजेस, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही स्टोरेज यूजेस में क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन मिल जाएगा, क्लियर केस, क्लियर डाटा, तो दोनों पर क्लिक करके आपको डिलीट कर देना है। जैसे ही क्लियर डाटा पर क्लिक करोगे तो डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर क्लिक करके डिलीट कर देना है। ठीक है, डिलीट करने के बाद आपको यहाँ से मिनिमाइज कर देना है प्ले स्टोर को, उसके बाद फिर प्ले स्टोर को यहाँ से ओपन कर देना है। जैसे ही ओपन करोगे आपके सामने इस तरह इंटरफेस आ जाएगा और आपका ईमेल आईडी में जो भी फोटो दिया हुआ है वो लोगो यहाँ दिख जाएगा ईमेल आईडी का, तो इस लोगो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके फ़ोन में 2-3 ईमेल आईडी है तो इसमें क्लिक करोगे तो नीचे और एक ईमेल आईडी दिख जाएगा, अगर नहीं है तो ईमेल आईडी बना के यहाँ ऐड कर दो। उसके बाद दूसरा ईमेल आईडी यहाँ से सिलेक्ट कर दो आप। ठीक है, मैंने सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर सर्च बार में आके टाइप करना है कैपकट। मैंने दूसरा ईमेल आईडी सिलेक्ट किया, उसके बाद कैपकट यहाँ टाइप किया। ठीक है, और जैसे ही मैंने सर्च किया यहाँ देखो कैपकट वीडियो एडिटर एप्लीकेशन के साथ यहाँ इंस्टॉल लिखा हुआ है, इसमें क्लिक करना है इंस्टॉल करने के लिए। तो चलो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ इंस्टॉल पर। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ एक इस तरह इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको यह कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह पार्सेस का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको यहाँ से स्किप पर क्लिक करके स्किप कर देना है। ठीक है, जैसे ही स्किप कर दोगे तो यहाँ देखो कैपकट एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि मेरा यहाँ इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। और इंस्टॉल कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो चलो मैं इंस्टॉल होने देता हूँ पहले, उसके बाद ओपन करता हूँ। इंस्टॉल कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ से ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद इस तरह इंटरफेस आ जाएगा, तो एग्री कर देना है। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके आप यह वीडियो वगैरह एडिट कर सकते हो। तो वैसे इस तरह से जो है आप अपने फ़ोन में प्ले स्टोर से कैपकट एप्लीकेशन को बहुत ही आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद आपका मोबाइल में कैपकट एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा कि ये ट्रिक आपका मोबाइल में वर्क किया है या नहीं। ठीक है।